एक बार फिर से CDNP जिगमंड प्रेजेंट्स आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स की क्लास। इस फिजिक्स की क्लास में आज हम देखेंगे किसी भी बार मैग्नेट में किसी भी दंड चुंबक को अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, फ्रीली सस्पेंडेड अ बार मैग्नेट, कहां पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसको लटका दिया जाए तो इस पर ये देखिए ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर हम इस प्रकार से फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो ये बार बार N और S डायरेक्शन में आ जाता है, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आखिर ये देखिए, अगर इसको हम ऐसा करते हैं तो घूम करके ये देख लीजिए, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट में करेंगे हम तो बार बार ये घूम करके कहाँ जाएगा? नॉर्थ साउथ में स्टे करेगा। ठीक है, सोच के देखिए, फॉर एग्जांपल अगर बार मैग्नेट ना हो, ये एक पेन है और इस पेन को अगर हम ऐसा कर दें तो क्या सोच सकते हैं कि वापस अपने आप ऐसा आएगा? हरगिज़ नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ये पेन ऐसा है तो इसको यहाँ ऐसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मींस क्या हुआ, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो अपना प्लेस चेंज नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पर ये मैग्नेट है, अगर इसको ऐसा कर देने से ऐसा आ जाता है ये, इसका मतलब क्या है कि इस बार मैग्नेट पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, भले वो फोर्स हमको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो। ठीक है, तो हमें सोचना चाहिए, दूसरी व्यू से हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड करें, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, तो वह बार बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रेस्ट करता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों रुकता है? ये सोचने का विषय है। अगर हम सोचेंगे बारीकी से तो हमारा ध्यान जाना चाहिए होल प्लेनेट अर्थ पर जाना चाहिए। हमारी अर्थ अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेट है। ठीक है, और ये जो अर्थ है इसका साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा जो हम बोलते हैं, वास्तव में वह भौगोलिक दक्षिण दिशा होती है और जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं, वह भौगोलिक उत्तर दिशा होती है, जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन। अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का एन पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि एन पोल को अपनी ओर कौन सा पोल अट्रैक्शन करता है, आकर्षित करता है? एन को आकर्षित करेगा एस ध्रुव, एस पोल। कॉमन सेंस लगाएं तो ऐसा सोचा जा सकता है कि अगर एन बार बार इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कहीं एस पोल मैग्नेट का रखा हुआ है और उसी से खिंच रहा है। दूसरी तरफ अगर ये एस पोल है और ये दक्षिण दिशा में है, इसका मतलब क्या हुआ कि दक्षिण दिशा में निश्चित रूप में कहीं ना कहीं एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि अपनी अर्थ
अगर कंप्लीट मैग्नेट है तो जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, उस उत्तर दिशा में अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल मींस एस पोल रखा हुआ है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। और जिसको हम साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, जिसको हम दक्षिण दिशा बोलते हैं, वहां पर सोचा जा सकता है कि पूरी कंप्लीट अर्थ का कौन सा एन पोल रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ध्रुवों के कारण, मतलब पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, इस मैग्नेट पर क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है, दोनों सिरों में फोर्स अप्लाई होता है। और ये जो फोर्स लगता है, यही फोर्स बार बार इसको सीधा करके लाता है। आप लोगों ने 11th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, टार्क वाला क्वेश्चन, बल आघूर्ण कब बनता है, जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, तो दोनों ही फोर्स मिलकर के क्या बनाते हैं, बल आघूर्ण बनाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, टार्क प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टू फोर्सेस कैसे होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, बराबर किंतु विपरीत दिशा वाले होने चाहिए। तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं, वो एक बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आज हमें इसी बल आघूर्ण के लिए डेरिवेशन निकालना है, इसी टार के लिए डेरिवेशन निकालना है। तो इसको समझते हैं और चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं यह कैसे निकाला जाएगा। और आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन से इस क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, हम आ चुके हैं अपनी व्हाइट बोर्ड पर। इसमें मैग्नेट लिया है हमने, ये देखिए, ये है एस पोल उसका और ये है एन पोल। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी है। ठीक है, इसी चुंबकीय क्षेत्र की बात हम करते हैं कि अर्थ का भी हो सकता है, अगर नॉर्मल मैग्नेट लिया जाए और उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, फ्रीली सस्पेंडेड कर दें, तो वह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। तो ये इस तरफ नॉर्थ है, ठीक है, और इस तरफ क्या मान लेंगे हम, साउथ है। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ में स्टे करता है। अब सपोज करिए कि इसको अगर हम मूव कर दें, डिफ्लेक्ट कर दें, एन एस और ये एन, ठीक है, ये डायरेक्शन है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, कितने एंगल से है ये, थीटा एंगल से। इस वाले में ये डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये बी वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा है, बी वेक्टर के डायरेक्शन में ही स्टे है, रुका हुआ है, जबकि हमने क्या किया है, इसको फोर्स अप्लाई करके थीटा कोण से डिफ्लेक्ट कर दिया है, मतलब थीटा पोजीशन पर है बी के साथ में। तो अब क्या होगा, अब इस मैग्नेट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, बी की वजह से इसके पोल पर फोर्स अप्लाई होगा, ये इस तरफ फोर्स अप्लाई होगा और एक फोर्स अप्लाई होगा इस तरफ, ये। ठीक है, यहां पर एक फोर्स लगेगा और एक फोर्स यहां लगेगा। अब हमको पता होना चाहिए फोर्स कितना लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। तो अभी आप लोगों को सोचना चाहिए, हमने भी पिछली क्लासेस में टीच किया था आप लोगों को कि बी और एफ के बीच का रिलेशन क्या होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट,
पर हमने निकाला था, लिखा था डेफिनेशन से, B इज इक्वल टू F अपॉन M नॉट या M, ये लिखा था, ठीक है। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू M नॉट इन टू B। ये देखिए फोर्स की वैल्यू पता चल गई, फोर्स कितना है M नॉट इन टू B। अब यहाँ पर हमारे N और S पोल हैं, तो इनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मान ली हमने, M मान ली, कितनी मान ली है M मान ली है। तो M पोल स्ट्रेंथ वाले पोल पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा F इज इक्वल टू M इन टू B, ठीक है। ये है फार्मूला तो जरा बहुत छोटा सा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बार बार यूज़ होता है। इसको कैसे याद रखना चाहिए, किसी ने पूछा आपसे कि M पोल स्ट्रेंथ का एक मैग्नेटिक पोल है और उसे रख दिया गया है एक मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पर, B में रख दिया गया है, कहाँ रख दिया गया है B, तो इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, जितना सामने वाला बोल रहा है उन्हीं को साथ में लिख देना है M इंटू B। ये देखिए क्वेश्चन क्या रहता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्टिंग फोर्स की वैल्यू, क्रियाशील बल का मान कितना होगा, किसके ऊपर, M प्रबलता वाले ध्रुव पर, अगर B चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो कितना आंसर देंगे हम, M इंटू B फोर्स अप्लाई होगा, बस हो गया। यहाँ पर F क्या करता है, M इंटू B, और ये भी F क्या करता है, M इंटू B, देख लीजिए दोनों फोर्स कैसे हैं, सेम है, इक्वल फोर्स हैं, बट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के दोनों बल कैसे हैं, विपरीत दिशा में है, एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है, ठीक है। और जब ये दोनों बल, अभी हमने बोला था आपके सामने, दोनों बल कैसे हैं, इक्वल और विपरीत हों, तो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, एक टार्क बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं, एक फोर्स ऑफ कपल बनाते हैं। फोर्स ऑफ कपल को ही हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। टार्क को किससे डिनोट किया जाता है, टाउ से, ये है, ठीक है, ये किससे, टाउ से, जी टाउ ही बोल देते हैं कई बार लोग इसको, ठीक है, टाउ। अब टाउ को अलग से हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं, 11th क्लास का है सिलेबस ही। ये देखिए अगर टू फोर्सेस हैं, दो बल हैं, एक बल यहाँ ऊपर की तरफ लग रहा है और एक बल कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। ये भी फोर्स कितना है, एफ है, और ये भी फोर्स कितना है, एफ है, दोनों बराबर हैं, दोनों कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ये वाला फोर्स का डायरेक्शन और ये, दोनों कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं आघूर्ण भुजा, टार्क साइड, ये कहलाती है क्या, आघूर्ण भुजा, ठीक है। तो इसको डिफाइन किया जाता है टार्क को, टाउ, टार्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू टॉर्क साइड, ठीक है, मतलब बल गुणित आघूर्ण भुजा, ठीक है। बस अब हमारे पास क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स हमारे पास एम बी है। अब क्या चाहिए है, टॉर्क साइड चाहिए है। जरा ध्यान से देखें, इसमें फोर्स एक इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। अब दोनों के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, कई बार आपको लगे दोनों के बीच की दूरी ये है, गलत हो गई है। ये देखिए यहाँ 90 नहीं है, यहाँ कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ये क्यों, ये दोनों पैरेलल जरूरी हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसको डैश डैश करके पीछे ले जाएंगे ऐसा करके, ठीक है। अब देखते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जब हमने, तो यहाँ कितना बन गया, ये 90 बन गया, इसको ए मान सकते हैं। तो डार्क साइड क्या होगी, एन ए होगी, ठीक है। चलिए इस फिगर को और अच्छे से देखते हैं, यहाँ हमने पहले से बनाया है, ये देखिए। अब समझिए इसमें, ये है एस एन एक बार मैग्नेट, ठीक है, और ये एरो हमने पैरेलल खींच दिया है। पैरेलल मतलब ये लाइन ऑफ फोर्स या बल रेखाएं हैं। अगर समानांतर बल रेखाएं हैं तो हमें मानना चाहिए कि जो फोर्स की वैल्यू है, अगर पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस हैं तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको माना जाएगा कि यह यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। मतलब सब जगह मान उसका एक सा है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, हर पॉइंट पर सेम है। तो ये पैरेलल लाइनें मतलब लाइन ऑफ फोर्स हैं, और यहाँ पर एस एन को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया है, इसका एंगल कितना है, थीटा कोण से इसको डिफ्लेक्ट किया गया है, ठीक है। कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है, बाकी वही सब। इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 2L मान ली गई है, और ये देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है MB, मतलब ये वही है F इज इक्वल टू MB, ठीक है। तो MB S N पोल पर और S पोल पर लगने वाले फोर्सेस क्या हैं, MB बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट, इनको हम क्या बोल सकते हैं, F बोल सकते हैं, दोनों ही क्या है, ये F है। टार्क डिस्टेंस के लिए कितना होगा, एन ए होगा, और एन ए निकालने के लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा। देखिए एस ए एन, इसमें ले लिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, एन ए है, और कर्ण कितना है, एस एन या 2L, ये 2L की वैल्यू यहाँ लगा दी, एस एन की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एन ए इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, ठीक है। अब इसको एक बार पूरा एग्जाम के हिसाब से भी देखते हैं, ये देखिए इसको हमने टाइप किया हुआ है, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड यूज इट टू डिफाइन मैग्नेटिक मोमेंट, ऑल्सो राइट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। हिंदी में ये क्वेश्चन होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी दंड चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए सूत्र प्राप्त करो, इसकी सहायता से चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करो तथा उसका मात्रक भी लिखो, ठीक है। स्टार्ट में अपन क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में डायग्राम के पहले ही ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन एट सम एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, अ टॉर्क एक्ट ऑन इट विच टेंड्स टू अलाइन द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस टॉर्क इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग कपल, ठीक है। जब किसी दंड चुंबक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बनाते हुए रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी के कारण उस पर एक बल आघूर्ण क्रियाशील हो जाता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश लाने का प्रयत्न करता है। चुंबक पर लगने वाले इस बल आघूर्ण को प्रत्यानयन बल आघूर्ण या प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद फिर हमें ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम के बाद थोड़ा सा डिटेल हमें डायग्राम का देना चाहिए, तो ये डिटेल यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए कंसीडर आ, ये देखिए कंसीडर अ बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम एंड इफेक्टिव लेंथ 2L, दिस
मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ द डायरेक्शन ऑफ थीटा। मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रख दिया गया, बी में रख दिया गया है। कितने एंगल पर रखा गया है, थीटा को एंगल पर रखा गया है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से इसके एन और एस पोल पर इक्वल एंड अपोजिट, ये देख लीजिए, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन बोथ पोल एन एंड एस आर। कौन कौन से होंगे, एम बी एंड एम बी। बोथ फोर्स मेक अ टॉर्क विच इज नोन एज रिस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया हमने कि एन एस दंड चुंबक है, इसकी ध्रुव प्रबलता एम, प्रभाव का ही लंबाई 2L है, और ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका B है, और थीटा एंगल पर रखा गया है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों ध्रुवों N और S पर एक बराबर किंतु विपरीत बल MB लगेंगे, दोनों ही मिलकर एक बलागुण का निर्माण करेंगे जिसे प्रत्यानयन बलागुण कहते हैं। ठीक है, अब बताया था हमने कि बलागुण की परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, किसकी, टार की। ये देख लो हिंदी में लिखा है हमने और इंग्लिश में भी लिखा है, रिस्टोरिंग टार्क, टाउ इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टार्क साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये देखिए, इसमें हिंदी में भी प्रत्यानयन बलागुण टाउ इज इक्वल टू बल इनटू आगमन भुजा। ठीक है, बल कितना होगा, ये यहाँ देखिए एम बी और ये एम बी है, एम बी फोर्स है, ये लिख दिया हमने एम बी। अब टार्क साइड क्या बताया हमने, एन ए, ये हमने यहाँ पर एन ए लिख दिया। अब इस डायग्राम के बाद हमने इसमें एन ए की वैल्यू निकाली थी 2L साइन थीटा, ये देखिए एन ए के स्थान पर 2L साइन थीटा लगाएंगे तो आ जाएगा एम बी इंटू 2L इंटू साइन थीटा। अब आपको पुराना नॉलेज यूज करना पड़ेगा, पढ़ा है आपने एम इंटू 2L क्या होता है, कैपिटल एम, तो यहाँ पर m इंटू 2L को हटा करके उसके बदले हमने क्या लिख दिया है, कैपिटल M। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू कैपिटल एम बी साइन थीटा। ध्यान दें m और m में डिफरेंस याद रखेंगे, स्मॉल m कब लिखना है, जब पोल स्ट्रेंथ है, और कैपिटल M कब लिखना है, जब आपको मैग्नेटिक, इसका मैग्नेट का मूवमेंट लिखना हो, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण लिखना हो। इस प्रकार से अपना फार्मूला क्या आया, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ठीक है, दोनों ही मीडियम में हमने यहाँ पर लिखा है। अब ये है डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा, मतलब कैपिटल M की डेफिनेशन देनी है एक बार फिर से। यहाँ पर डेफिनेशन देने का मैनर क्या होता है, बाकी सबको यूनिट बनाइए, एक करिए, और इसके बाद जिसकी डेफिनेशन निकालनी है उसको हमको सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो देखिए साइन थीटा को वन करना है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी अपन को, 90 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 मीन्स क्या हो जाए, साइन 90 जिससे वन हो जाएगा। बी इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, वन डैश लेना है। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर लगा देंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देख लीजिए हिंदी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तब समीकरण एक से tau इज इक्वल टू एम इंटू वन इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो tau इज इक्वल टू क्या हो जाता है, m हो जाता है, हो गया। अब ये हमको डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन कहाँ से देनी चाहिए, ये यहाँ पर m लिखा हुआ है। ठीक है, शुरुआत यहीं से करनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन हमको m की देनी है। ठीक है, m क्या है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, शुरू करेंगे यहाँ से, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट, एम का पूरा नाम बोलिए, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, ये है एम के, एम का पूरा नेम इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लगा हुआ है, क्या है, अब ये टाउ मतलब क्या है, ये टार्क, इज इक्वल टू टार्क। अब कौन सा टार्क है, ये वाला टार्क जो ऊपर डिटेल दी है अपन ने, इज इक्वल टू टार्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। ध्यान दें यूनिट इंटेंसिटी क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बी इज इक्वल टू कैपिटल बी इज इक्वल टू हमने 1 टेस्ला लिया है। आप चाहें तो यहाँ ऐसा भी बोल सकते हैं कि टार्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इन
इन वन टेंस ला मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी वैल्यू भी लिखी जा सकती है, लेकिन यहाँ यूनिट क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सीजीएस एसआई कुछ भी हो सकता है, तो यूनिट इंटेंसिटी लिखना ज्यादा बेहतर है। अब कब होगा ऐसा, व्हेन इट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल मतलब समझते हैं, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। क्यों लिखा गया, थीटा की वैल्यू कितनी है बोलिए, थीटा की वैल्यू कितनी है 90। यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा, इस मैग्नेट को मूव करके कैसा कर दिया जाए, सीधा कर दिया जाए, मैग्नेट को हम क्या कर देंगे, मूव करके सीधा कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे मैग्नेट को हम ऐसा, ये कहलाएगा कितनी वैल्यू 90 वाली वैल्यू होगी। ये देखिए यहाँ से ये इसकी एक्सिस है और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बीच में जो एंगल है ये कितना है, ये 90 है, ठीक है। इसलिए व्हेन लिखा गया है कि व्हेन मैग्नेट को कैसा रखा जाए, नॉर्मल पोजीशन में रखा जाए, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर पोजीशन पर रखा जाए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ मैग्नेट इज इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी व्हेन इट इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही बात हिंदी में देखें क्या बोला गया है, एम शुरू करना है, यहाँ शुरू करना है। एम क्या है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है, ठीक है। उस बल आघूर्ण, ये देखिए बल आघूर्ण मतलब कौन सा है, टाऊ की वैल्यू, टाऊ को क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस बल आघूर्ण के बराबर होता है जो इकाई तीव्रता वाले, ये देख लें इकाई तीव्रता मतलब 1 टेस्ला है, इकाई तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर लगता है। अभी लास्ट में जबकि, जैसे इंग्लिश में यहाँ पर वैन से कही है शुरू पन्ने, जबकि चुंबक चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखा होना चाहिए, कैसा रखा होना चाहिए, लंबवत ऐसा रखा होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से ये कैपिटल एम की डेफिनेशन होगी। अब लास्ट में 1 मार्क्स के लिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एम्पियर इंटू स्क्वायर मीटर, ठीक है, एम्पियर गुणित वर्ग मीटर, किसकी इकाई होगी, कैपिटल एम की। ये कोई नया नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैपिटल एम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैपिटल एम क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L, पहले बता चुके हैं हम, कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिखा भी है, ये देखिए ये कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू 2L, ये क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नेट, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, तो स्मॉल m की यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर, और 2L की क्या हो जाती है, 2L की हो जाती है कितनी, 2L की हो जाती है मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें। हाँ, इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्वेश्चन होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, जैसे हमने कूलाम्स ला पढ़ाया था, और भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं सिमिलर क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये मैग्नेट के लिए था, ऐसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी ये किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान से देखें, हमने लिख दिया हियर ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम व्हाइट बोर्ड, मतलब आपको लिखना ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर क्या बनाना है, डायग्राम बनाना व्हाइट बोर्ड से। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, डायपोल के लिए क्वेश्चन हमने टाइप कर दिया है, ये देखें इसको भी नोट कर लेंगे वैसा ही, ये देखिए पूरा कुछ क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ मैग्नेट के बदले इलेक्ट्रिक करना है, ठीक है। ये इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग बनेगा, वो डायग्राम हम फिर से दिखा देते एक बार, इसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा ही है, ये देखिए आप ये नोट कर सकते हैं, और इसका हम डायग्राम फिर से दिखा देते हैं, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है, एन एस के बदले यहाँ लिखना है ए बी, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज,
ये फोर्स हो जाएगा क्यू ई, ये क्यू ई हो जाएगा और ट्राइंगल बन जाएगा ए बी सी, वही साइन थीटा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। टू एल के स्थान पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर टू ए लिया है, ये आ जाए बी सी इज इक्वल टू टू ए साइन थीटा। इस पूरे क्वेश्चन में इतना ही चेंज है, बाकी यह क्वेश्चन बिल्कुल बोनस क्वेश्चन के रूप में माना जा सकता है। आप लोग उस क्वेश्चन के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी लिखें। देखिए हमने फिर से चला दिया क्वेश्चन को, ये अच्छे से वीडियो को पॉज करके और नोट कर लेंगे और समझ के तैयार करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें और अगर असुविधा हो तो वीडियो को रिवाइंड बार बार रिवाइंड करके देखें और उसको फिर अंत में एक टेस्ट दें, बिना देखे लिखें और जब सही हो तो उसका फ़ोटो खींच करके हमारे पास भेजें, जिससे कंफर्म हो सके कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी क्लास पर।